हेलो गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम और हैप्पी होली। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होली सिर्फ गुलाल से ही खेलें आप लोग प्लीज। कोई भी बहुत ज्यादा जो हार्मफुल कलर होते हैं उनका यूज ना करें, ठीक है? और थोड़ा सा भाई अपने घर परिवार में मिलके होली खेलें, और थोड़ा सा हो सके तो मदिरा सेवन कम करना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की एज वो है कि आप लोग जोश जोश में पी लेते हो, फिर उसके बाद में आपको बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इंजॉय करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, इंजॉय करो त्योहार को, त्योहार की तरह इंजॉय करो, ठीक है? तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? आज मेरे जो थोड़े से एक बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के ना ये लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम एनिमल किंगडम के एक बार एक अलग से क्वेश्चन करा दीजिए, है ना? लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज एक बार एनिमल किंगडम को अलग से करा दीजिए, ठीक है? तो बेटा आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी एनिमल किंगडम पर ही बेस्ड है। देखो बेटा, अगर हम एनिमल किंगडम को बेटा अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होते हैं क्या बेटा, हमारे वर्टिब्रेट, यानी जिनके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, और एक होते हैं इन वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी में कौन कौन से वाले आएंगे भाई? हमारी पीसीस, ठीक है, मछलियां, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स, ये सब किस में आते हैं? जैसे कि हम लोग किस में आएंगे, रीढ़ की हड्डी किस में आएंगे, वर्टिब्रेट्स में आएंगे, यानी हमारे पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इन वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि आपका पोरीफेरा, एनिलिडा, ठीक है, कीनोडर्मेटा, निडीरिया, मोलेस्का, हेलमेंथिस और आपका ऑर्थ्रोपोडा। ये किसमें आएंगे बेटा? ये तुम्हारे आएंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, यानी कि इनवर्टिब्री में। क्लियर जी, इतनी बात समझ में आई? दोनों का डाउट समझ में आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्री दोनों सेम चीज है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी अलग होती है और वर्टिब्री आपकी अलग होती है। स्पाइनल कॉर्ड देखो बेटा ये है, ये मान लिया आपका ब्रेन है, तो यहां से एक तरह से ये समझो कि एक मोटी सी नस निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरु रज्जू बोलते हैं। ठीक है, और इस मेरु रज्जू को प्रोटेक्ट करती है दोनों तरफ से कौन बेटा? आपकी वर्टिब्री। कौन प्रोटेक्ट करती है दोनों तरफ से इसको? इसकी हमारी वर्टिब्री, ठीक है, हमारी वर्टिब्री इसको क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये जो आपकी वर्टिब्री से मिलकर जो आपकी संरचना बनी है, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, और इसके अंदर प्रोटेक्ट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग होती हैं। अब बात आती है बेटा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे मैम यहाँ से? तो देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका एनिलिडा है वो वर्टिब्री में है या इनवर्टिब्री में। फटाफट से कमेंट करके मुझे एक बार जरा बताओ, अभी मैंने तुम्हें बोला है कि एनिलिडा तुम्हारा वर्टिब्री में आएगा या इनवर्टिब्री में आएगा? एनिलिडा तुम्हारा वर्टिब्री में आएगा कि इनवर्टिब्री में आएगा, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल जी, आपका सही आंसर आया है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि एनिलिडा तुम्हारा इनवर्टिब्री में आएगा, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। कीनोडर्मेटा, इनके नाम याद करना, और इनकी कोई हिंदी नहीं होती बेटा, इनके हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है, बस इनके नाम देखो, ये वाले तुम्हें याद हो जाएंगे इजिली, इनमें याद करने में कुछ नहीं है, याद करने में दिक्कत आती है इनको, तो दो तीन बार पढ़ना अपने आप याद हो जाएंगे भैया। पोरीफेरा, एनिलिडा, कीनोडर्मेटा, निडीरिया, मोलेस्का, हेलमेंथिस और आपका ऑर्थ्रोपोडा, ये किसमें आते हैं? ये तुम्हारे बेटा आते हैं किसमें? इनवर्टिब्री में, यानी कि अकशेरुकियों में। किसमें बेटा? अकशेरुकियों में, ठीक है जी। एक बार जरा अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाइए जरा। चलो जी, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम ऑफ ही कर दें। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू मोलस्का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? बताइए, हाइला, हेलियोटेस या फिर आपका हाइड्रा या आपका हेयर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल आपका मोलस्का से संबंधित है? फटाफट बताइए, मोलस्का में से इनमें से कौन सा आपका एनिमल संबंधित है? क्विकली आंसर आना चाहिए, फटाफट एबीसीडी में आंसर करो सब लोग, थोड़ा जल्दी आंसर करें और एबीसीडी में आंसर करें। क्या है बेटा ये आपका? हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक दिखाया मुझे और बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया, क्योंकि एनिमल किंगडम एक आपका, देखो एनिमल किंगडम और बोटनी, ये दो चैप्टर आपके ऐसे होते हैं, बोटनी तो आपका पूरा सेक्शन ही हो गया, लेकिन अगर हम बात करें आपके जूलॉजी में, तो आपका एनिमल किंगडम जो है, यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं।
क्योंकि जो भी देखो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली चीजें होती हैं या जो भी हम ह्यूमन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हमें हमारे लिए समझना आसान होता है। अब इतनी तरह के जीव जंतु हैं सबके बारे में हम नहीं जानते, इतनी तरह के पेड़ पौधे हैं हम नहीं जानते सबके बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ हमारे क्वेश्चन गलत तब नहीं होंगे अगर आप चीजें ज्यादा रिवाइज करोगे और थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का सेक्शन जो होता है वो आपका फिक्स है। बोटनी में क्वेश्चन फिक्स है, बार 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 वही उसी लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपका एनिमल किंगडम है। बस आपके एनिमल किंगडम में क्या है बेटा, आपके क्वेश्चन फिक्स है जो आपके बार बार वही पूछे जाते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट, अगर आपको ये लगता है बेटा कि आप लोगों को साइंस एक बार लाइव पढ़नी है, बेटा CHSL में मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, जो आपके जो बच्चे CHSL के हैं या जिनको ये है कि नहीं हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप उसमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी उसकी एक ही दिन मेरी 2 दिन क्लास हुई है तो बहुत ज्यादा आपका छूटा भी नहीं है, लाइव डेली पढ़ाती हूँ मैं उसमें, ठीक है ओके। लेकिन उसके लिए भाई कोड प्लीज यूज करना आप लोग Y446, ठीक है। Y446 कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाद में बताऊंगी ये सारी चीजें, अभी पहले थोड़ा सा आप लोग क्लास को आगे बढ़े। तो क्या बेटा है आपका, क्या हेलोटिस, क्या है बेटा ये आपका हेलोटिस, वेट फॉर अ सेकेंड, क्या है बेटा तुम्हारा ये हेलोटिस जो है ये क्या है बेटा आपका, कौन सा जानवर है जो आपका मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि आपका किससे बेटा मोलस्का ग्रुप से क्या करता है बेटा, बिलोंग करता है, ठीक है। ये है आपका क्या बेटा हेलोटिस। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स यूज करूँ जिससे ताकि आपको ज्यादा आंसर याद कहे याद रहे। स्मॉल पोर फाउंड इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, स्मॉल पोर्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, स्मॉल पोर्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, बताइए स्पंज के शरीर में पाए जाने वाला छोटा छिद्र, स्पंज के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छिद्र का नाम क्या है, ओस्टियम, ओस्क्यूलम, रेड्यूला या सीलिया, बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करो भाई। किसी का भी सही नहीं आया है, मात्र एक या दो बच्चों का ही सही आया है, सिर्फ एक या दो बच्चों का ही सही आया है। क्या है बेटा आपका इसका आंसर होगा, ओस्टिया, जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, ओस्टिया है, ठीक है। ओस्क्यूलम भी आपके स्मॉल पोर्स है लेकिन ओपन ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे ये जो पूरी ओपनिंग है, समझा देती हूँ मैं आपको, देखो ये जो पूरी ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, ओस्क्यूलम बोलते हैं। और ये जो आपके छोटे 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 यहाँ पर जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये क्या है आपके, ओस्टिया, ये क्या है बेटा आपके सारे के सारे ओस्टिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ लार्ज ओपनिंग फाउंड एट द टॉप ऑफ साइकोन इज कॉल्ड, अ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द साइकोन इज कॉल्ड, जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अभी जो डायग्राम दिखाया था वो आपका साइकोन का ही था, वो आपका साइकोन का ही था। अब उसमें पूछा गया है कि जो सबसे ऊपर जो लार्ज ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर जो लार्ज ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यार तुम्हारे लिए मतलब हम लोग अपना त्योहार छोड़ गए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मतलब ऐसे तुम लोग साथ दोगे यार, शेयर करो एक बार जरा जोरदार तरीके से, लाइक करो क्लास को, और जितना बच्चा लाइव है ना सारे के सारे कमेंट किया करो, जितना बच्चा लाइव है सारे के सारे आप लोग कमेंट करो, सिंपल सी बात है, तभी तो मजा आता है यार क्लास में, तभी मजा आता है भाई। हाँ जी, नहीं तो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, किताबों से पढ़ ही लोगे। और एक और बात बता देती हूँ बेटा, ऑफलाइन जो बुक्स है ना, ठीक है, दुनिया भर की किताबें खुद मेरे पास रखी हुई हैं, पढ़ी हुई भी हैं, इतनी गलतियां हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो जो राइटर हैं उनकी गलतियां हैं एक्चुअली, बट टाइपिंग की बहुत गलतियां हैं, टाइपिंग एरर बहुत हैं। और आप लोग जब उनको खरीद लेते हो, जब उनको पढ़ना शुरू करते हो, तो आप लोगों को नहीं पता कि वो सही आंसर है या गलत आंसर है। एक तो आप लोग गलती करते हो कि आप लोग उसकी थ्योरी नहीं पढ़ती, आप डायरेक्ट MCQ में टूट पड़ते हो, आपको लगता है पेपर हमारा MCQ बेस्ड है तो यार थ्योरी हम लोग क्यों ही पढ़े, है ना। और आप लोग क्या करते हो बेटा, MCQ पर टूट पड़ते हो, और वहां तुम लोग गलती करते हो कि जो टाइपिंग एरर हुई रहती है उस बुक में वही तुम याद कर लेते हो और वही तुम पेपर में टिक कराते हो, फिर तुम लोग सोचते हो यार हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। लार्ज ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओस्क्यूलम, क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें दिखाया था क्या था बेटा लार्ज ओपनिंग आपकी, ओस्क्यूलम, ठीक है। ये रहा आपका भाई साइकोन, इसमें जो ये ऊपर वाली जो आपकी ओपनिंग है ये आपसे पूछा गया था, इसका नाम साफ साफ तुम्हें दिख रहा है ओस्क्यूलम। देखो मैंने पिक्चर्स इसलिए ऐड की है क्योंकि जिससे कि ताकि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाए कि भाई ये चीज जब हमें मैम ने पढ़ाई थी तो इसका डायग्राम क्या था, जिससे ताकि तुम्हें चीजें ज्यादा याद होंगी, ताकि तुम्हें चीजें ज्यादा याद होंगी। फाइलम आपका कोलेंट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कोलेंट्रेट जो आपका फाइलम है उसका दूसरा नाम क्या है, जो कोलेंट्रेट आपका फाइनल है फाइलम है उसका नाम क्या है। भाई ठंड लग रही है भयंकर वाली, यहाँ बहुत कम टेम्परेचर कर रखा है और यहाँ हो रही है अब बिल्कुल हालत खराब ठंड से,
फाइलम कोलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज, यार ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भाई अपना त्योहार छोड़ के आप लोगों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े सेक्रीफाइस होते हैं एंड बीइंग अ फीमेल तो ये एक बहुत बड़ी ही चीज होती है कि भाई अपनी फैमिली से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी फैमिली से ज्यादा वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ये इतनी कम वोचिंग से काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से संख्या को बढ़ाओ, संख्या को बढ़ाओ, डबल ट्रिपल जितना बढ़ा सकते हो। बस आप लोगों को इतना काम करना है कि आप लोग शेयर करो, बस इतना काम करना है कि आप लोग एक एक बार सारे बच्चे शेयर करो, लाइक करो, और जितना बच्चा लाइव है सारे के सारे आप लोग कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करना देखो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, शेयर करना लाइक करना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन कमेंट करना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर चाहे तुम गलत करोगे लेकिन गलत करोगे तो सही जरूर सीखोगे। मैं डेली आपसे एक ही बात बोलती हूँ क्लास में आके, डेली बोलती हूँ, सुबह को भी बोलती हूँ, शाम को भी बोलती हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी ये बात नहीं समझ आ रही है। जब एक बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, लेकिन जब एक बार कर लोगे ना तो मेरी कही हुई बातें तुम्हारे दिमाग में ऐसे घूमेंगी, मैं ऐसे याद आएंगी एग्जाम में, हाँ यार मैम ने सही बोला था, और फिर 6 महीने बाद तुम उससे बोलोगे कि यार मैम तुम सही बोल रही थी, ये बात है। कोलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? तुम्हारा निडीरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? निडीरिया भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा? निडीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कोलेंट्रेटा का ही आपका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? निडीरिया होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5th एक बार जरा देखते हैं। अच्छा यहाँ इमेज देख लो भाई एक बार जरा, कि जो आपके क्या है बेटा, निडीरिया जो आपका फाइलम है उसमें कौन कौन आता है? आपका हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन्स, और कौन बेटा आपके? सी एनिमोन्स। देखो अलग अलग इमेज डालिए बेटा, सोच सकते हो मुझे कितनी मेहनत लगी होगी ये सारी की सारी इमेज सर्च करने में, यहाँ डालने में, है ना। वो कितना सुंदर भी दिखता है ना, कितना सुंदर दिख रहा है देखो, है ना, कितना सुंदर दिख रहा है ये पूरा का पूरा। चलो भाई कितना सुंदर है, मतलब जैसे देखा जाए तो बेटा प्रकृति ने खुद को कितने अच्छे से तराशा था, कितना सुंदर बनाया था खुद को, हम सबको बनाया, लेकिन हम सब ने देखो क्या किया, हम सब ने पहले उस प्रकृति को ही नष्ट करना शुरू किया, फिर हमने खुद को नष्ट करना शुरू किया। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, दंगे फसाद होते हैं, इन सब में नुकसान किसका है? इन सब में नुकसान किसका है? हमारा ही तो नुकसान है, हमारा ही तो नुकसान है, लेकिन समझ आए तब ना, ठीक है। अब देखो बेटा निडीरिया में क्या है आपके, निडीरिया में आपके कौन कौन से फाइलम आएंगे? देखो बेटा आपका क्या आएगा? क्यूबोजोआ, ठीक है, क्यूबोजोआ, साइकफोजोआ, आपका एंथोजोआ, और आपका हाइड्रोजोआ, और क्या बेटा आपका हाइड्रोजोआ। क्यूबोजोआ में क्या आएगा बेटा? तुम्हारा बॉक्स जेली, फिर क्या है तुम्हारा? मून जेली, फिर क्या है तुम्हारा? एनीमोन, फिर क्या है तुम्हारा बेटा? क्या? फिजेलिया, फिर क्या है? फिजेलिया। क्वेश्चन पूछा गया था एनीमोन किसमें आते हैं, तो लगा के आना निडीरिया में। मून जेली किसमें आता है? निडीरिया में। बॉक्स जेली किसमें आता है? निडीरिया में। फिजेलिया किसमें आता है? निडीरिया में। ये नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें तुमसे जरूर पूछी जा सकती है कि मून जेली कौन से फाइलम में आता है, निडेरिया में या कोलेंट्रेटा में? निडेरिया या कोलेंट्रेटा। एनीमोन किसमें आता है? निडेरिया या कोलेंट्रेटा में आता है। फिजेलिया किसमें आता है? निडीरिया या कोलेंट्रेटा में आता है। तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो ब्लड बट दे रेस्पायर, बताइए। मतलब इनके पास में खून नहीं होता है लेकिन ये सांस ले सकती हैं, लेकिन ये सांस ले सकती हैं। साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक ऐसा भी आपका जीव होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता लेकिन वो सांस ले सकता है ना, लेकिन वो सांस ले सकता है, बताइए। इस चीज में लड़के पता है कहाँ कंपेयर करते हैं? लड़के बोलते हैं हाँ मैम लड़कियों की तरह, लड़कियां बेचारी सांस ले सकती हैं लेकिन लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, लड़के ऐसा ही मानते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा जीव है जिसके पास में दिमाग नहीं है लेकिन वो सांस ले सकता है? साथ ही साथ क्या है बेटा आपका कि यहाँ पर क्या है, वो कौन सा जीव है जिसके पास खून नहीं है लेकिन वो सांस ले सकता है, लेकिन वो सांस ले सकता है? अभी तक किसी का भी आंसर ठीक नहीं आया है। हाइड्रा है, क्या है बेटा? हाइड्रा के पास खून होता है क्या? हाइड्रा के पास खून नहीं होता लेकिन रेस्पायर तो करता है ना, लेकिन भाई ये आपका रेस्पायर तो करता है ना। मैंने कोशिश की है बेटा हर एक क्वेश्चन में आपका इमेज इंसर्ट करने की कोशिश है पूरी, कि हर एक क्वेश्चन में आपको इमेज इंसर्ट करके समझाऊं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तुम्हें हाइड्रा की पिक यहाँ पर दिख ली है और साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता है, तो क्या है भैया आपका रेस्पिरेशन करता है ना, ये आपका रेस्पिरेशन करता ही है। ओके अगला क्वेश्चन क्या है जरा एक बार हम लोग देखते हैं भाई, कि कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय फाइलम, कोरल रीफ्स कौन से फाइलम से बनती है? कोरल रीफ कौन से फाइलम से बनती है? कोरल रीफ कौन से फाइलम से बनती है? प्रोटोजोआ, कोलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या पोरीफेरा? कोरल रीफ्स कौन से फाइलम से बनती है बताइए, कोरल रीफ्स कौन से फाइलम से बनती है, फटाफट बताइए। प्रोटोजोआ, कोलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या पोरीफेरा?
होंगे कि चट्टाने इनमें से कौन से फाइलम द्वारा निर्मित की जाती हैं। फाइलम कर लेना, फिलोम नहीं, ठीक है। कौन से फाइलम द्वारा इनमें से ये आपकी बनती हैं, ठीक है। तो बेटा ये बनती है हमारी किससे बेटा, कोलेंटरेटा से। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें आपको एक्सप्लेन किया था कोलेंटरेटा का दूसरा नाम निडीरिया होता है। इससे आपकी क्या बनती है बेटा, मूंगे की चट्टान या फिर तुम्हारी कोरल रीफ्स किससे बनती है, कोलेंटरेटा से बनती है। कोशिश करती हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने इसकी इमेज डाली हुई है आपके लिए, ठीक है। निडीरिया कोलेंटरेटा, निडीरिया कोलेंटरेटा क्लास, देखो क्लास, फाइलम, स्पीसीज, ये सब हमारी अलग अलग चीजें। क्लास कौन सी है इसकी बेटा, क्लास एंथोजोआ यानी कि फ्लावर एनिमल्स में। तो कोलेंटरेटा होते हैं वो आपके फ्लावर एनिमल्स में आते हैं। इस टाइप की आपकी 6100 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी, 6100 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं, जिनमें से मेन है हमारे सी एनिमोन्स और कोरल। सी एनिमोन्स और कोरल, कोरल रीफ जो है बेटा ये आपके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि ये क्या है, हमारी धरती माता है, ये हमारी इक्वेटर है। इनके या तो बेटा नॉर्थ में 30 डिग्री या फिर आपका साउथ में 30 डिग्री, कहां पर, सैलो वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस एल्गी दैट लिव इन द सिम्बायोसिस विद द कोरल, यानी कि इनके आसपास आपकी एल्गी भी देखी जाती है जो कि आपके एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। बात समझ आई कि नहीं, एक बार यस और नो लिखो, वाई और एन एक बार जरा कमेंट में लिखो, वाई और एन एक बार जरा कमेंट में लिखो, वाई और एन एक बार जरा कमेंट में लिखो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो जी कमेंट करो भाई, वाई 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 वाई। अच्छा एक दो नो वाले भी हैं, नो वाले क्या है भाई, एक बार जरा बता देना कि तुम्हें क्या चीज समझ नहीं आई है, ठीक है। यस वाले, यस वालों की संख्या वैसे आपकी थोड़ी सी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन एक बार जरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगे की चट्टाने हैं, या निम्नलिखित में से कहां पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर आपका सुंदरबंस, या फिर तुम्हारा सुंदरबंस, बताइए कहां पर, इनमें से कहां पर आपके कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, इनमें से कहां पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बताइए कोरल रीफ्स कहां पाए जाते हैं इनमें से। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये तो आपका। अंडमान और निकोबार में बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं पाया जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाएगा, सुंदरबंस में भी पाया जाएगा, है ना। जहां पर भी आपका क्या है भाई, थोड़ा सा आपका सैलोइश वाटर पाया जाएगा, वहां पर आपका कोरल रीफ जो होती है वो आपकी पाई जाती है, है ना। बड़े भाई आगे जरा क्वेश्चन नंबर 8 एक बार जरा देखते हैं हमारा क्या बोलता है आपका, 1, 2 एंड 3। गल्फ ऑफ कच्छ में ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा बेटा, गल्फ ऑफ कच्छ में आपका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को बेटा क्रॉस चेक कर लूंगी कि गल्फ ऑफ कच्छ में आपका कोरल रीफ्स पाया जाता है कि नहीं, अभी बता दूंगी क्रॉस चेक करके, ठीक है। ये बेटा मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको डाली है अलग अलग जगह की, कि भाई कहाँ पर किस टाइप की आपकी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, और माना जाता है कि बेटा सबसे सुंदर जो कोरल रीफ्स आपकी पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो आपकी बेटा अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं। सबसे सुंदर कोरल रीफ्स आपकी अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं, ठीक है जी। ठीक है बेटा ये आपका, इसको एक बार जरा करेक्ट करना क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको बेटा आप लोग करेक्ट करो। अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार, सुंदरबंस हटा देना, सुंदरबंस हटा देना बेटा, ठीक है, सुंदरबंस हम हटा देना। यानी मुझे क्यों याद आ रहा है कि सुंदरबंस में भी हमारी सुंदर जो सुंदरी के वृक्ष तो पाए जाते हैं, बट मुझे क्यों याद आ रहा है कि वहां पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, बताइए Which of the following is called the lighthouse of the Mediterranean Sea? फटाफट बताओ, Mediterranean Sea का लाइट हाउस किसे बोला जाता है, Mediterranean Sea का लाइट हाउस किसको बोला जाता है, Mediterranean Sea का लाइट हाउस किसको बोला जाता है, फटाफट बताइए। हाँ Stromboli of सिसली, बिल्कुल जी आपका स्ट्रॉम्बली और सिसली को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी।
क्वेश्चन नंबर 9 एक बार जरा देखते हैं कि एनिमल नोन एज जेलीफिश, इनमें से कौन से एनिमल का नाम जेलीफिश है, इनमें से कौन से एनिमल का नाम जेलीफिश है बताइए। एनिमल नोन एज जेलीफिश, इनमें से कौन से एनिमल का नाम जेलीफिश है। हाँ जी, इनमें से कौन से एनिमल का नाम जेलीफिश है। ओरेलिया क्या है बेटा, जेलीफिश का दूसरा नाम क्या है हमारा, ओरेलिया है। ठीक है, जेलीफिश का हमारा दूसरा नाम क्या है, देखो ओरेलिया ओरेटिटा आल्सो कॉल्ड एज कॉमन जेलीफिश, मून जेलीफिश, मून जेली इज अ वाइडली स्टडीड स्पीसीज ऑफ द जीनस ओरेलिया। मतलब जो हमारी मून जेली जेलीफिश होती है इनको हम कहां पर बेटा, ओरेलिया में रख सकते हैं। स्पीसीज में कौन सी में आती है, प्रजाति है बेटा आपकी इनकी क्या, ओरिटा क्या है, ओरिटा। फाइलम क्या है, निडीरिया। ठीक है, और क्लास कौन सी है आपकी, स्काइफोजोआ। क्लास कौन सी है आपकी इनकी, स्काइफोजोआ। सब चीज अलग है, मैंने बोला था स्पीसीज अलग होती है, फाइलम अलग चीज होती है, क्लास अलग चीज होती है, क्लास अलग चीज होती है, सब चीजें अलग अलग होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस डाली हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए कोटेशंस यूज किए जिस ताकि आपको समझ ज्यादा आए थोड़ा सा। सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज, सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज, सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रा, फिजालिया, ओरेलिया या मैट्रिडियम। सी एनिमोन का दूसरा नाम क्या होता है, सी एनिमोन का दूसरा नाम क्या होता है, सी एनिमोन का दूसरा नाम क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए, सी एनिमोन का दूसरा नाम क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कराया था, अगर हम लोग देखो, मैं तुम्हें एक बार जरा बैक स्लाइड में लेके जाती हूँ कि जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी वहां तुम्हारा बेटा सी एनिमोन आया था, है ना, वहां तुम्हारा सी एनिमोन आया था। और जब मैंने बोला था कि बेटा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना या आप लोग इनको याद करना, ये रहा बेटा तुम्हारा सी एनिमोन किसमें आया था बेटा, देखो तुम्हारा सी एनिमोन किसमें आया था बेटा, तुम्हारा एंथोजोआ में आया था। किसमें आया था ये, तुम्हारा एंथोजोआ में आया था। एक बार जरा देखते हैं अब हमारा कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारा ये वाला हमसे क्या कहता है, एक बार जरा हम इसको क्रॉस चेक करते हैं आपके क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रा, फिजेलिया, ओरेलिया या मैट्रिडियम। मैट्रिडियम तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका, एंथोजोआ यहाँ पर ऐड कर लेना, क्या होगा बेटा तुम्हारा एंथोजोआ। कौन से फाइलम में आएगा तुम्हारा, कौन से एक्चुअली क्लास में आएगा, एंथोजोआ में आएगा। ठीक है, एंथोजोआ क्लास में आएगा, एंथोजोआ क्लास में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए था, सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज की जगह इज इन विच क्लास, इन इज विच क्लास, ये होना चाहिए। ओके जी, अगला क्वेश्चन क्या है एक बार जरा देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आपका क्या है कि इसका अदर नेम की यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है कि जो अदर नेम है उसके बारे में बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन पूछा गया था किसका बेटा, क्लास का। ओके, एनिमल विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एनिमल विच इज नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, बताइए कौन से एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। कौन से एनिमल को हम लोग पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एनिमल विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फिजेलिया, हाइड्रा, ओरेलिया या ओब्लिया, या ओब्लिया बताइए। एनिमल विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, किसको बोला जाता है आपका पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, हम बोलते हैं बेटा किसका आपका, किसको बेटा, फिजेलिया को। क्या हो रहा है, किसको बोलते हैं फिजेलिया को, किसको बोलते हैं बेटा हम लोग पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, हम लोग किसको बोलते हैं, फिजेलिया को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार जरा देखते हैं क्या बोलता है, व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मींस, एम्फीबियन शब्द का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मीन, टू लीव्स, थ्री लीव्स, फोर लीव्स या फिर आपका वन लाइफ, बताइए व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मीन, एम्फीबियन शब्द का मतलब क्या होता है भाई। एम्फीबियंस कौन होते हैं, कौन होते हैं आपके उभयचर, कौन होते हैं बेटा जो आपके स्थल पर भी रह सके और जो आपके जल में भी रह सके, यानी कि जो जल और थल दोनों पर रह सके, जो आपका जल और थल दोनों पर रह सके, लैंड और वॉटर दोनों पर रह सके,
ठीक है, लैंड और वाटर दोनों पर रह सके। तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है तुम्हारा? टू लीव्स। क्या होता है? टू। नंबर 13 क्या है, एक बार जरा देखते हैं। फ्लैट वर्म इज कैप्ड अंडर फाइलम ऑफ। फ्लैट वर्म इज कैप्ड अंडर फाइलम ऑफ फ्लैटी हेलमेंथिस, आपका नेमेटो हेलमेंथिस, या फिर आपका एनिलीडिया या मोलेस्का। फ्लैट वर्म को हम लोग कौन से फाइलम में रखते हैं? फ्लैट वर्म को हम लोग कौन से फाइलम में रखते हैं बताइए? फ्लैट वर्म को कौन से फाइलम में रखते हैं बताओ? फ्लैट वर्म को कौन से फाइलम में रखते हैं? बिल्कुल जी, किसमें बेटा? आपका फ्लैट। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लैटी हेलमेंथिस होते हैं, प्लैटी हेलमेंथिस जो तुम्हारे होते हैं बेटा, उसमें किसको, जिसमें हमारी फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती हैं। और जो आपका फ्लैट वर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आपकी फ्लैट होती है। तो इसीलिए जो आपका बेटा फ्लैट वर्म है उसको हम किसमें रखते हैं? प्लैटी हेलमेंथिस में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है भैया यहाँ पर? मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है आपकी प्लैटी हेलमेंथिस। प्लैटी हेलमेंथिस की बेटा यहाँ पर मैंने तुम्हारी क्या लिखी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये आपके पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरों पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मतलब जो ऑर्गन जो होते हैं तुम उनको अलग से नहीं पता लगा सकते कि भाई ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब कुछ मिक्स होता है। हैव अंडरगोन सेफेलाइजेशन, हैव हेड, ठीक है, मतलब कि क्या है कि भैया इनके पास सर जो होता है, थोड़ा सा हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इनका हेड है, ये वाला जो हिस्सा है इनका क्या है बेटा, हेड है। लैडर टाइप नर्वस सिस्टम, नो स्पाइनल कोड, इनके अंदर कोई मेरु रज्जु भी नहीं पाई जाती, और बायलैटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। बायलैटरल का मतलब क्या है कि अगर तुम इसको बीच में से काट दो तो बेटा इसकी लेफ्ट और राइट जो होगी दोनों सेम होती है, लेफ्ट और राइट जो होती है दोनों सेम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टेप वर्म कम्स अंडर फाइलम। टेप वर्म कम्स अंडर फाइलम एनिलीडा, एम्फीबिया, मोलस्का या प्लैटी हेलमेंथिस। टेप वर्म कम्स अंडर फाइलम, टेप वर्म कम्स अंडर फाइलम एनिलीडा, एम्फीबिया, मोलस्का और प्लैटी हेलमेंथिस बताइए। फटाफट बताइए, टेप वर्म कौन से फाइलम में आता है, एनिलीडा, मोलस्का या प्लैटी हेलमेंथिस। बेटा टेप वर्म भी देखो क्या है तुम्हारी, इसकी क्या है स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी भी आपकी कैसी होती है बेटा, फ्लैट ही स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लैट स्ट्रक्चर किस में आती है तुम्हारी, प्लैटी हेलमेंथिस में आती है। तो टेप वर्म भी तुम्हारा किस में आएगा बेटा, प्लैटी हेलमेंथिस में ही आएगा। टेप वर्म भी किस में आएगा तुम्हारा, प्लैटी हेलमेंथिस में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर मैनकाइंड, इनमें से मैनकाइंड के लिए कौन सा यूजफुल नहीं है, हनी बी, हनीबी, अर्थवर्म, टेपवर्म या सिल्कवर्म बताइए, फटाफट बताइए। इनमें से कौन सा तुम्हारे लिए यानी कि मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है? भाई देखो मधुमक्खी तो है ही, रस मिलता है हमें। अर्थवर्म क्या है आपका, फादर ऑफ फार्मर बोलते हैं, किसानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये आपका। टेपवर्म क्या है भाई आपका, टेपवर्म कोई, सिल्कवर्म भी हमारे लिए जरूरी है लेकिन टेपवर्म हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, टेपवर्म कोई जरूरी नहीं है, तो बीमारियां और कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक बार जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म रीच इनटू इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बाय ईटिंग लीफ, अगर हम कच्ची पत्तियां खाते हैं तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा वर्म है, कीड़ा है जो कि इंसान की आंत तक, इंसान की छोटी आंत तक पहुंच सकता है। टेप वर्म, फ्लैट वर्म, आपका हुक वर्म या राउंड वर्म बताइए। ये आंसर कैसे दिख रहा है यार, ये डबल क्लिक हो रहा है क्या मुझसे बार बार, ये बेटा बार बार बोर्ड पे क्या होता है, जरा सा भी अगर टच हो गया, मैं इधर से इधर निकल के भी गई तो ये टच हो जाएगा तो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आपको दिख ही गया कौन सा होता है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंने तुम्हें बताया ये पिछले क्वेश्चन में, टेपवर्म हमारे लिए जरूरी नहीं होता बल्कि ये हमें बीमारियां और कर सकता है, हमारी छोटी आंत तक पहुंच सकता है और हमें बहुत सारी बीमारियां का घर बना सकता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम को हमारे ये ठीक कर सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम, राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम बताइए, राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम, राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम
राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम एनिलिडा, आपका नेमेटो हेलमेंथिस या फिर आपका प्लेटी हेलमेंथिस या ऑर्थोपोडा, बताइए। राउंड वर्म कम्स अंडर फाइलम, राउंड वर्म कौन से फाइलम में आता है, राउंड वर्म कौन से फाइलम में आता है, बताइए। निमेटी हेलमेंथिस किसमें आएगा बेटा, ये तुम्हारा किसमें आएगा, निमेटो हेलमेंथिस में आएगा, ठीक है जी। राउंड वर्म किसमें आता है, निमेटो हेलमेंथिस में आता है। डिजीज कॉज्ड बाय एस्करीज इन ह्यूमंस, डिजीज कॉज्ड बाय एस्करीज इन ह्यूमंस, इनिया, एस्करीज, लीवर रूट या इंसोमानिया, इनमें से कौन सी बीमारी है जो एस्करीज से हो सकती है इंसानों में, इनमें से कौन सी बीमारी है जो एस्करीज से हो सकती है किसमें बेटा, इंसानों में। ठंड मर गए भाई, जुकाम होएगा पक्का, पक्का जुकाम होएगा। डिजीज कॉज्ड बाय एस्करीज इन ह्यूमंस, बताइए। एस्करीज ही होती है बेटा, कौन सी बीमारी होती है, एस्करीज ही बीमारी होती है, ओके जी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, द डिजीज फ्लैरियल इज कॉज्ड बाय, द डिजीज फ्लैरियल इज कॉज्ड बाय, द डिजीज फ्लैरियल इज कॉज्ड बाय, बताइए भाई। एस्करीज, यूकेरिया, ब्रॉनकाफ्टी या प्लाज्मोडियम या टीनिया सोलियम, फ्लैरियल डिजीज इनमें से किसके कारण हो सकती है, फ्लैरियल डिजीज या फाइलेरिया डिजीज इनमें से कौन से किसके कारण हो सकती है, बताओ भाई। बेटा मैंने ऐसे इसलिए किया हुआ है क्योंकि ठंड लग रही है भयंकर वाली, और जब आपको ठंड ज्यादा लगे ना तो आपको अपना सरफेस एरिया कम कर देना चाहिए। अगर आप लोग अपना सरफेस एरिया कम कर दोगे तो आपको ठंड कम लगेगी। यहाँ पे भी साइंस काम करेगी, सरफेस एरिया कम कर देना। सर्दियों में देखा नहीं आपने, जानवर जो होते हैं ऐसे ना ऐसे करके बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम लोग उनको ओढ़ सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता तो वो अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। तो फिलहाल मेरी यही वाली हालत है। वुकेरिया ब्रॉनकाफ्टी किससे होता है बेटा, ये तुम्हारा वुकेरिया ब्रॉनकाफ्टी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार जरा देखते हैं क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एस्करीज इज फाउंड इन, एस्करीज कहाँ पर पाई जाती है, एस्करीज इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मसल्स ऑफ पिग, कॉलम ऑफ ह्यूमन, कॉलम यानी कि ये सीकम कॉलन वाला कॉलन है यहाँ पर, एंड इन द ब्लड ऑफ मैन। एस्करीज कहाँ पर पाई जाती है, एस्करीज कहाँ पर पाई जाती है बेटा, छोटी आंत में, कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पेरिटीमा पोस्थोमा इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पेरिटीमा पोस्थोमा इज साइंटिफिक नेम विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। पेरिटीमा पोस्थोमा इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका साइंटिफिक नेम है, और बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इजी और फेमस टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, तब आपको आता है ये क्वेश्चन। अर्थवर्म का किसका है बेटा, ये आपका नाम किसका है, अर्थवर्म का है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार जरा देखते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि नहीं तो मेरी ठंड लगने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। द पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड ऑफ द अर्थवर्म, द पिगमेंट फाउंड इन द अर्थवर्म, केंचुए के अंदर इनमें से कौन से टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, हीमोसाइनिन, हीमेटिन, हीमोग्लोबिन, साइनिन, केंचुए के अंदर, केंचुआ तो बेटा आपका, सॉरी बच्चों,
टिन होगा क्या बेटा इसका आंसर? लेट मी चेक, क्रॉस चेक करना पड़ेगा बेटा। ये तो आपका हीमोसाइनिन तो आपका किसमें पाया जाता है? ऑक्टोपस में पाया जाता है। तो ग्लोबिन आपका पाया जाता है बेटा किसमें? हमारे अंदर। तो मेरे ख्याल से ग्लोबिन तो बेटा इसमें नहीं हो, मैं इसको क्रॉस चेक करके अभी आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड कोज। अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड, अर्थवर्म इज कॉल्ड, बताइए। केंचुआ, केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है? हाँ जी बताइए। अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड। पीछे वाले क्वेश्चन में बेटा आपका तो जरा ठीक करना, इसका बेटा आपका हीमोग्लोबिन ही होगा, हीमोग्लोबिन ही। ये मैंने क्रॉस चेक किया है आपका कि भैया अर्थवर्म के अंदर ये बता रहे हैं कि आपका जो पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपका हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि अर्थवर्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड क्योंकि ये क्या करता है बेटा कि सॉइल को पोरस बनाता है, छिद्रयुक्त बनाता है, जिससे जो मिट्टी होती है वो ज्यादा आपकी फर्टाइल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? नंबर ऑफ आईज फाउंड इन द अर्थवर्म, केचुए में कितनी आंखें पाई जाती हैं? 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 केचुए के अंदर कोई आंख नहीं, के अंदर कोई आंख नहीं। हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग्स फाउंड इन द इंसेक्ट, कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? How many pair of legs found in the insect? How many pair of legs found in the insect? कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? फटाफट से बताओ, क्विकली बताओ। हाँ जी हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग फाउंड इन द इंसेक्ट, कितने जोड़ी होते हैं बेटा? तीन जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? तीन जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स चूज द वन हैविंग थ्री पेयर ऑफ लेग, इनमें से किसके अंदर आपके तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं? इनमें से किसके अंदर आपके तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं? फटाफट बताओ, इनमें से किसके जोड़ी किसके अंदर तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं? इसके अंदर तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं। बताइए जी, कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं बेटा आपके? कितने जोड़ी आपके बग में आपके तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क कब ऑब्टेन किया जाता है? जो सिल्क वॉर्म से सिल्क हम लोग कौन सी स्टेज में ऑब्टेन करते हैं? एग से, प्यूपा से, लार्वा से, या इनमें से किसी से? तो बेटा सिल्क जो हम ऑब्टेन करते हैं, ये हम ऑब्टेन करते हैं किससे? आपकी प्यूपा वाली स्टेज से, प्यूपा वाली स्टेज। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कोल्ड, जो घरों में जो मक्खी है, इसका जो आपका लार्वा होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका जो लार्वा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? हाँ जी, ये लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कोल्ड, प्यूपा, मैगोट, इमैगो या नन? तो क्या बोलते हैं बेटा? मैगोट बोलते। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? मैगोट बोलते। पहले पीछे चला जाता है ये, क्या हुआ इसको? अच्छा, क्या बोलते हैं बेटा? मैगोट बोलते। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? पॉइजन इन द स्कॉर्पियन इज फाउंड इन, बिच्छू के अंदर जहर कहाँ पाया जाता है? उसके मुंह में, पैर में, हाथों में, या टैलसन यानी उसके डंक में? बताओ, बिच्छू के अंदर जहर कहाँ पाया जाता है? बिच्छू के अंदर जहर कहाँ पाया जाता है?
पॉइजन कहाँ पाया जाता है बेटा? डंक में। कहाँ पाया जाता है? उसके डंक में, कैल्सन्स में, बिच्छू के अंदर क्या पाया जाता है आपका? ठीक है, द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय, द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय, बताइए जी। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस आपकी, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि जिसमें नींद नहीं आती है, जिसमें नींद नहीं आती है। द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय किसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, बैड बग, हेड लाउस, फटाफट बताइए। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, बैड बग या फिर आपका हेड लाउस। नींद ना आने की बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? नींद ना आने की बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? किसके द्वारा बेटा? आपकी सीसी फ्लाई, जो सीसी मक्खी होती है, जो सीसी मक्खी होती है, अगर ये किसी को काट ले, अगर ये किसी को काट ले तो इस इंसान को क्या होता है बेटा? आपका स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि बार 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 नींद ना आने की नहीं लिखना, इसको नींद आने की लिखना, इसको ज्यादा आती है। क्या यार है हमारे टाइपिस्ट, नींद बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। इनको क्या होता है बेटा? नींद बहुत ज्यादा आती है और इनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होता है। इन लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई या आपका मिटेस या फिर आपका क्या बेटा? आपका बाइट्स, सॉरी। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार बेटा आपकी होती है किससे? सैंड फ्लाई से। क्यों होती है? सैंड फ्लाई से। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार जरा देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द क्लास इंसेक्ट, आप कैसे पता लगाओगे कि कोई जो आपका, आपके सामने जो कोई भी एक जीव रखा है वो क्या है बेटा? वो कोई इंसेक्ट है, यानी वो कीड़ा मकोड़ा है कोई। कीड़े मकोड़े में क्या होता है बेटा? आपका थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इनमें आपके थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है एक बार जरा देखते हैं। कटल फिश इज नोन एज, कटल फिश इज नोन एज, कटल फिश का दूसरा नाम क्या होता है? कटल फिश इज नोन एज, कटल फिश इज नोन एज, बताइए कटल फिश का दूसरा नाम क्या होता है? कटल फिश का दूसरा नाम क्या होता है? कटल फिश इज नोन एज, कटल फिश का दूसरा नाम क्या होता है? कटल फिश का दूसरा नाम होता है बेटा सीपिया। क्या होता है इसका दूसरा नाम? आपका सीपिया होता है। ऑक्टोपस कम्स अंडर फाइलम, ऑक्टोपस कम्स अंडर फाइलम, ऑक्टोपस इनमें से कौन से फाइलम में आता है? ऑक्टोपस इनमें से कौन से फाइलम में आता है? ऑक्टोपस कम्स अंडर फाइलम, कौन से फाइलम में आता है आपका? ऑर्थोपोडा, हेमिकोर्डेटा, मोलस्का या कीनोडर्मेटा। तो ऑक्टोपस क्या है? वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा, सॉफ्ट इसमें आते हैं आपके मोलस्का में आते हैं, सॉफ्ट किस में आते हैं बेटा? आपके मोलस्का में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेविल फिश, इनमें से किसको हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं? इनमें से किसको हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं? इनमें से किसको हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं, बताओ? डेविल फिश के नाम से बेटा हम किसको जानते हैं? ऑक्टोपस को जानते हैं। डेविल फिश के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ऑक्टोपस को जानते हैं। नंबर ऑफ आर्म फाउंड इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में कितने जोड़ी हाथ होते हैं? ऑक्टोपस में कितने हाथ होते हैं, बताइए? नंबर ऑफ आर्म फाउंड इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में कितने जोड़ी हाथ होते हैं? ऑक्टोपस में कितने जोड़ी हाथ होते हैं बेटा? तुम्हारे आठ जोड़ी। कितने जोड़ी हाथ होते हैं? तुम्हारे आठ जोड़ी हाथ होते हैं। तो ये थे बेटा हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सबकी डिमांड पर मैंने बोला था कि मैम प्लीज एनिमल किंगडम को एक बार जरा इसी में करा दीजिए, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मैंने आपकी ये क्लास करा दी है। अब मैं बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगी किसके, जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो बेटा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसके कहाँ से? ऐप स्टोर से या फिर
कहाँ से बेटा? प्ले स्टोर से, अड्डा 247 के नाम से मिलेगी। सेम हमारी गूगल पर वेबसाइट आपको मिलेगी, जहाँ पर बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे आप लोग किसके रेलवे के बच्चे हो, सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो बेटा देखो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए और आपके पास में टेस्ट सीरीज मस्ट है। तुम्हारे पास में समय नहीं है कि बिना टेस्ट दिए तुम कोई भी एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मान लिया आप लोग रेलवे वाले हो तो तुम्हें महापैक में, ये महापैक में बेटा जब तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपना पैक दिख जाएगा, ठीक है। रेलवे में यहाँ पर किसका बेटा? आपका ग्रुप डी। ग्रुप डी जैसे ही तुम सेलेक्ट करोगे तुम्हें दिख जाएगा ये रहा भाई तुम्हारा महापैक, जिसकी तुम्हारी वैलिडिटी 12 महीने के लिए है। तो तुम्हारा 12 महीने का बचा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारा आपका सिलेबस जो होता है कॉमन होता है जीके वगैरह का, तो रिवाइज कर सकते हो, कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें करना है बेटा कोड अप्लाई। कोड करोगे तुम लोग क्या, Y446 तुम लोग कोड अप्लाई करोगे। अप्लाई जैसे ही तुमने किया तो बेटा तुम्हें दिख जाएगा कि जो तुम्हारा 6000 रुपए का बैच था वो तुम्हें कितना, 1379 रुपए का, 1379 रुपए का मात्र, मतलब 1300 रुपए का ही समझ लो कि 1300 रुपए का ये तुम्हें बैच मिलेगा। ये बात थी बेटा किसकी, आपकी ऐप की, किसकी आपकी ऐप की बात थी, ठीक है। अब आते हैं बेटा कि अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट है, ठीक है, टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा एक बार जरा हम लोग देखते हैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप लोग कैसे लोग, ये रही बेटा तुम्हारी, नीचे ही तुम्हें मिल जाएगा कि भाई तुम्हारी टेस्ट सीरीज का ये रहा। ग्रुप डी के लिए मात्र ये तुम्हारी 299, यहाँ तुम्हें 299 दिखेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें टेस्ट सीरीज मस्ट है और तुम्हारी Y446S लगाना होगा। Y446S जैसे ही तुम बस लास्ट में एस जोड़ना है, अप्लाई करोगे, टेस्ट सीरीज मस्ट है। मान लो मेरी बात बेटा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, खुद मैंने देखी है सारे की सारी, बहुत अच्छी, मतलब जो कंटेंट डेवलपर है ना बेटा वो बहुत ही बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट को, टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए, और इतने कम प्राइस में, मतलब तो यार मतलब बुक्स में दुनिया भर की एरर है, यहाँ कम से कम एरर फ्री नहीं है। दूसरी अच्छी बात क्या है बेटा टेस्ट सीरीज की, कि आप खुद को कंपेयर कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट से कि आपसे ऊपर कितने लोग अभी बैठे हुए हैं, आपने क्वेश्चन गलत क्यों किया वो आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में दिया जाएगा। ये नहीं है कि ए का आपका 23rd का बी था, ठीक है, आपका 4th का सी था, ऐसे ही बस लिखा हुआ है कि बस आपका गलत हो गया, नहीं, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा कि क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे बेटा आपको दिख जाएगा कि 299 की किताब जो है तुम्हें वो 248 में पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें कितने में पड़ेगी बेटा, वो 248 में पड़ेगी, ठीक है, ओके जी। पीडीएफ के लिए बेटा, पीडीएफ आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जैसे कि भाई जो मेरी जो मतलब कल जो क्लास हुई थी उसकी आपको पीडीएफ आज वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बस थोड़ा सा आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने आप सबकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि नहीं मैम हमें टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया। दूसरी बात, प्लेलिस्ट का आप लोग बोल रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सीबीटी 2 की भी और ग्रुप डी की भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है, आपको वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई वहां पर मिल जाएगी। और बताइए भाई, और कोई किसी का कुछ डाउट? एसएससी वाले बेटा, एसएससी वाले बिल्कुल कर सकते हैं, एसएससी वालों के लिए अलग से बैच है, ठीक है। अगर आप लोग एसएससी वाले हो, सीएचएसएल, मैं तो आपको बता ही रही हूँ, जैसे देखो बेटा ये है आपका एसएससी वाला, इसमें क्या है बेटा, ये आपका सीएचएसएल वाले सेक्शन में जाओगे तो ये भी हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको भाई आप ये पूरी टीम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, मैं ही सिर्फ यहाँ पर आपके लिए नया चेहरा हूँ। इसमें क्या है बेटा, देखो तुमको 250 आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी, काउंसलिंग सेशन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल फॉर 24, मतलब तुम्हारे पास हमेशा कभी भी देखो तुम रिकॉर्डेड वीडियो, बहुत सारी ना ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें एक बार दो बार ही तुम रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, वो भी पर्टिकुलर टाइम में, सही बता रही हूँ बेटा, हमने खुद किए हुए हैं, हमें पता है ना, पर्टिकुलर घंटे के लिए आती है वीडियोज फिर डिलीट हो जाती है। और क्या है, सॉल्व अनलिमिटेड डाउट विद एक्सपर्ट, मैं पढ़ाती हूँ अभी भी, मैं अपनी क्लास में चैट को ऑफ नहीं करती, चैट मतलब कि जहाँ पर तुम लोग कमेंट करते हो सारे बच्चों के डाउट, जब तक बच्चा ये नहीं बोलता कि मैम हाँ हमारा ये डाउट, और अगर किसी का रह जाता है तो अगले दिन कर देती, ठीक है। तो बहुत ही ये आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है। व्यू ऑफर्स में जब तुम लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो देखो वैसे तुम्हें ये आपका 7000 रुपये का कोर्स दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर कोड अप्लाई करोगे Y446, ठीक है, जैसे ही तुमने बेटा अप्लाई किया, अप्लाई करते ही क्या है बेटा, देखो तुम्हारा 7000 रुपए का 1609 में पड़ा, ठीक है, 7000 रुपए का जो तुम्हारा ये सीएचएसएल वाला फाइनल सिलेक्शन बैच है। अब कोई नया बैच नहीं आएगा, अब कोई नया बैच और नहीं आएगा, ये लास्ट बैच है। तो अगर किसी को ये है मुझे एक बार रिवाइज कराना है, क्योंकि जीके वगैरह का ना आपका बहुत ही, मतलब बहुत ही एक तरह से
कॉमन सा सिलेबस है, और यार कितने ही है, मतलब क्या ही इनका प्राइस है बैचेस का, कुछ प्राइस नहीं है बेटा इनका बैचेस का, बहुत कम प्राइस है, लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है इन सब के लिए। ऑफलाइन होता तो बेटा बिल्कुल देते, तुम ही इन सब चीजों के लिए 30-40 हजार रुपए भरते, फिर उसके बाद में तुम वहां पर ये भी देखते कि भैया तुम्हारा अपना जो रहने का खर्चा है वो भी तुम्हारा 20-25 हजार का महीने का ही जाता, ठीक है। तो प्लीज भाई आप लोग थोड़ा ज्यादा एनरोल करा ले, टेस्ट सीरीज सबकी अवेलेबल है, सबकी ही टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है, ठीक है। अब कोई डाउट, अब कोई डाउट, चलो जी नहीं है कोई डाउट तो फिर हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई अब कल आप लोग अच्छे से, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से, और कल के लिए आप अच्छे से मतलब होली खेलना अपने घर वालों के साथ में, प्लीज कोई हुड़दंग मत उतारना, अच्छे से प्यार के साथ में सबके साथ होली खेलना, सिर्फ और सिर्फ गुलाल से, कोई केमिकल चीज नहीं यूज करनी है आप लोगों को, ओके। कोई भी केमिकल चीज आप लोगों को यूज नहीं करनी है भाई। अब मिलते हैं हम लोग होली के बाद, और हाँ संडे को मेरी मैराथन है फिर से 6 से 10, टाइम क्या है संडे की मैराथन का, इस बार 6 से 10 है, मतलब शाम के 6 से रात के 10 बजे तक आपकी मैराथन चलेगी, ठीक है। तो सेशन आपका लग जाएगा, उसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।